इसके बाद हम पहले मटके में शुद्ध पानी डाल देते हैं। इसके बाद हम दूसरे मटके में पचा खाद डाल देते हैं। और जाके बाद हम जखाद में केंचुआ डाल दिए थे। और तीसरे मटका हम खाली रख दिए थे। आप ये नीचे वाला मटका खाली क्यों रखते हैं भैया? जब पहले मटका में हमने शुद्ध जल भर दिया है, अब दूसरे मटका में हमने पचो खाद और केंचुए छोड़ रखे हैं। अब जब केंचुए जब पचे खाद खा लेते हैं, जो पानी दूसरे मटका में खाद में घुल कर घोल तैयार कर रहे थे, वो तीसरे मटका में जाते हैं। तो का हम जो मटका खाली छोड़ गए थे। का ये वर्मी वॉश कितने दिनों में तैयार हो जाता है? वर्मी वॉश 15 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। जाका ये हम जैसे जो मटका नीचे वाला भरा जाता पूरा जा उठा कर फिर से हम जई में डाल देते हैं। जब प्रक्रिया 15 दिन तक चलना चाहिए। 15 दिन के बाद जब मटका में जो घोल तैयार होता है, वह हम पंप के द्वारा हमारे खेतों में छिड़काव कर देते हैं। आप एक पंप में कितना घोल डालते हैं? 1 लीटर डालते हैं। आप इस घोल का छिड़काव किन किन फसलों में करते हो? हम जब घोल को छिड़काव सब्जियों में भी कर सकते हैं और अन्य फसलों में भी कर सकते हैं। आपने हमें वर्मी वॉश बना के बताया, आप इसके फ़ायदे बताइए। वर्मी वॉश से बहुत से फ़ायदे होते हैं। जाए बनावे कार्य में बहुत ही कम लागत लगत है। जहाँ मटकों में और केंचुए में ही थोड़ी बहुत लागत लगत है और पचो खाद में घर ही मिल जाते हैं। और लकड़ियाँ हमें घर के आसपास या फिर खेत में मिल जाते हैं। और जो वर्मी वॉश पौधों में टॉनिक काम कराते हैं, पौधे मजबूत बनाते हैं और पौधों में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। और ज़्यादा पौधे स्वस्थ होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा उत्पादन मिल जाते हैं। आज आपने हमें वर्मी वॉश बना के बताया एवं इसके फ़ायदे बताए, अब हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं सभी किसान भाइयों जो ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो ही तरीका अपनाएं और कम लागत से अच्छी से अच्छी फसल और अच्छा उत्पादन लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमें वर्मी वॉश बना के बताया एवं इसके फ़ायदे बताए और हमारे किसान भाइयों को संदेश दिया। अच्छा तो भैया राम राम। राम राम भैया।